सर अभी इधर लुक दीजिए। सर कुछ कैंडिडेट कीजिए ना ऐसे सिंपल सिंपल भाई ऑल ऑफ यू आप प्लीज वन सेकंड ऑल ऑफ यू हम स्क्रीन पे सर राइट कौन है पहले राइट से जी जी सर यहां पे सर सेंटर सेंटर यस हां लेफ्ट राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई सोलो 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 भाई सोलो भाई चलो भाई तुम जा मेरे को पूरा सुनो भाई लेफ्ट सुनो भाई इधर सुनो तो लेफ्ट वाला यार सुनो तो यार सुनो भाई इधर सुनो भाई गुलबी यो यो सुनो सर सुनो लेफ्ट सुनो भाई यार थैंक यू सुनो भाई इधर सामने दे यो यो सर लेफ्ट साइड सुनो सर सर इधर देखिए सुनो भाई सुनो तो यार एक सेकंड गुलबी स्टेट गुलबी तो यार सुनो यार गुलबी तो यार सुनो यार सिद्धांत बाइक करवा दो सिद्धांत 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 हेलो सर इधर देख सर इधर सर देखिए फिल्म्स बहुत सब एक्टर्स शूट करते हैं लेकिन कुछ फिल्में इसलिए ख़ास होती हैं क्योंकि उसमें कुछ ख़ास लोग मिलते हैं और यू नो जो परिवार बना है पूरा पलटन का वो बहुत कमाल था। 2 महीने हम लोगों ने साथ में लद्दाख में बिताए और अभी फाइनली वापस एक फाइनल स्केड्यूल के लिए जा रहे हैं तो वापस ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली रीयूनियन होने वाली है और ऑब्वियसली जब जेपी दत्ता जैसे डायरेक्टर आपके साथ होते हैं सो आई थिंक यू टेंड टू लर्न अ लॉट एज एन एक्टर और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइनल स्केड्यूल। टैंक राइडिंग टैंक राइडिंग नहीं नहीं ये 60s की फिल्म है तो ये वाली बाइक तो आई नहीं थी लेकिन काफ़ी कुछ रियल हमने इसमें किया है। जेपी सर की वजह से हम में से कई लोगों ने पहली बार गन चलाई है लेकिन ट्रेनिंग दी गई और लाइव एम्यूनिशन दिया असली बुलेट्स यूज़ करी हम लोगों ने। मतलब ऐसा भी था कि जैसे आप कैमरामैन हैं और हमको यहाँ पे शूट करनी है बंदूक तो बस उन्होंने कहा पूरा विश्वास किया हम लोगों पे और कहा शूट करो और कैमरामैन ने भी हम पे विश्वास किया। अच्छा था कैमरामैन अच्छा आदमी था जिंदा है जिंदा है वो तो उनको काफ़ी उन्होंने मतलब डेडिकेटेडली और विश्वास करके हमसे काम करवाया जी। कैरेक्टर के बारे में तो मैं बताऊंगा तो मतलब अगली गोली मुझे ही लग जाएगी तो कैरेक्टर के बारे में नहीं बता सकता हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहा, हम सब एक साथ थे, -12 डिग्रीज -18 डिग्रीज में शूट की हमने। सिद्धांत सर ने हम सबको बचाया जब हम बर्फ़ में मरने वाले थे तो आई थिंक इनके बिना पिक्चर इनकम्प्लीट रहती। हाँ मैं एक्चुअली तब निकल गया था तो बर्फ़ में शूट नहीं कर पाया लास्ट एक दिन जो ये लोगों ने गाने का सीक्वेंस किया। बट अभी खुश हूँ कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और वहाँ पर ऑक्सीजन है तो सांस ले पाएंगे हम वहाँ पर और काम भी वहाँ पर थिएटर वेटर यू नो मूवी शूवी शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और ये सब चीज़ें है वहाँ पर क्योंकि यार लद्दाख में नहीं था ये सब यू नो थोड़ा शूटिंग के अलावा यू नो यू नीड टू अनवाइंड सो ये सारी चीज़ें होगी वहाँ पर जो लद्दाख में नहीं थी। गुरु भाई हमने सोशल मीडिया पे ढेरों सारे आपको गन चलाते हुए और आर्मी के ड्रेस में देखा है, आपके डैडी भी आर्मी में थे, आप बिलोंग करते हैं, क्या फील करते हैं आप? कमाल का, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि मेरे लिए ऐसा था कि उसी जगह पे वापस आना, वहाँ पे शूट करना और उसका अलग ही मज़ा है।
आपके दोस्त काफी किडिंग करें, कम कम आ जाइए, आगे आइए आइए आइए, यहाँ पे आइए, इनका रिएक्शन देखिए। नहीं मतलब गुरु ने स्पेशली ट्रेनिंग ले रखी थी, वो अच्छी बंदूक चलाता है गुरु। अब पहली गोली इनको मारने वाला हूँ मैं। अच्छा भी तो अभी तो कैमरा मैन था सामने, इसका बॉय जो है उसका कैमरा मैन है। चलिए और एक शेड्यूल बाकी है, तो कुछ कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? यही कहना चाहेंगे कि बहुत मजा है यू नो लद्दाख में ऑब्वियसली, और होपफुली जो हमने शूट किया है उसकी अभी दूसरी कहानी का दूसरा हिस्सा शूट होने वाला है। सो वी ऑल रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग जो जिंदगी एस आर्मी ऑफिसर जो हम लोग जी के आए हैं तो उनके परिवारों में क्या कुछ होता है अभी हम वो जाके एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो मज़ा आएगा, पंजाब में मक्की की रोटी सरसों का साग सबका इंतज़ार कर रहा है, बना है। बहुत सक्सेसफुली और बहुत प्यार से निकल गया स्केड्यूल, लगा नहीं था हमको क्योंकि बहुत बहुत टफ टेरेन है लद्दाख, वहाँ पे फोटोज़ में बहुत खूबसूरत और ऐसा लगता है कि छुट्टियाँ मना सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो बेसिक चीज़ होती है सांस लेना वो भी काफ़ी टफ है, लेकिन जिस तरह सब लोगों ने अपने आप को एडजस्ट किया और सब लोगों ने वहाँ पे वर्कआउट भी किया है, वहाँ पे वर्कआउट करना मना है। आर्मी के लोग बोलते हैं कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन सोनू सर हम सबको इंस्पायर करते थे, अर्जुन सर ये लोग कभी छोड़ते नहीं थे वर्कआउट, और अर्जुन का सिद्धांत इंस्पायर करते और गुरु मुझे इंस्पायर करने वाला पैदा नहीं हुआ है। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स माय डैड इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन, माय फादर इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। यस बहुत प्यार से हो गया, और ये वाला कंपैरेटिवली थोड़ा कलरफुल होगा क्योंकि फिल्म में एक थोड़ा कलरफुल पार्ट भी है, और ये वाला इसमें थोड़ी खून खराबक शायद नहीं होगा फुली। बहुत वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। भाइयों दोस्तों ने सब बता दिया, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, ज़्यादा लंबा शेड्यूल नहीं है तो थोड़े में, लेकिन पंजाब जा रहे हैं तो उसका अलग मज़ा है। शूटिंग के दौरान ऐसा कभी होता है, आप थोड़ा और सभी क्लोज आ जाएंगे, शूटिंग के दौरान ऐसा कभी होता है कि चलिए शॉपिंग कर लेते हैं या फिर? लद्दाख में तो शॉपिंग करने का कुछ मौका नहीं मिला, लद्दाख में क्या शॉपिंग कर सकते हैं? लद्दाख में हर्ष ने ना, लेकिन इन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी है, ये पहाड़ इन्होंने पहाड़ खरीदे, लंबे वाली जो पहाड़ है ना वो मैंने खरीदी है। जो भी आर्मी वाले जूते पहने हर्ष ने दिए। एक्चुअली इस टीम में मुझे लगता है कि हम दो लोग ऐसे हैं जो आर्मी के यूनिफॉर्म से बहुत प्यार करते हैं, सोनू सर के कलेक्शन में तो सारे सारी दुनिया की सारी चीज़ें लेकिन हम दोनों अपना कलेक्शन, मतलब मैं खासकर अपना थोड़ा सा वार्डरोब कोशिश करता हूँ कि ठीक करूँ, तो मेरे को वहाँ पे कैमोफ्लाज की कपड़े और जूते, मुझे बहुत वीकनेस है मेरी आर्मी की, तो मैं वो थोड़े से लेके आया हूँ। थोड़े से नहीं लेके आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। माइंड में मतलब पीछे
मैं भी हूँ ना मुझे दूसरा वाला क्या करेंगे सर आपके राइट में नहीं पाएंगे।